हे गाइस, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। आज 24 दिसंबर और कौन सा दिन है? गुरुवार। आज गुरुवार का दिन है और बहुत ही खास लोग की सुबह से शुभकामनाएं भरे मैसेज आ रहे हैं और अभी दिन के बज रहे हैं 1 या 1:30 समथिंग और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत एंजॉय करने, चिल करने, मतलब जा तो रहे हैं दर्शन करने मंदिर, अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर चलते हैं। हमारे साथ हमारे भाई सैलन भाई हमारे साथ और हमारे साथ रविंद्र, अच्छा हमारे साथ रविंद्र भैया और छोटे भैया हमारे कृष्णकांत। तो मज़ा आ रहा नहीं आ रहा आज? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा। तो फिर आज चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अरे बाप रे यार, मोहल्ले में जैकेट ही नहीं है, ऐसी है ही नहीं, वास्तव में नहीं है, तो लेके आए थे हम। अच्छा हाँ। लम्बरदार की काम ही अलग होते है। वाह लम्बरदार वाह। तो आज जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने और वही एक छोटा सा व्लॉग है आपके लिए। और हमारे भैया लोग हमारे साथ में हैं और बहुत जो है, मतलब ये कह लें छोटे भाई तो हैं ही और साथ में एक परिवार की तरह हैं हम लोग। कितना एंजॉय किया हम लोगों ने, है ना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मैराथन रेस है क्या आपकी? हाँ, अभी 12 तारीख को यहाँ छतरपुर में होनी है। अच्छा हाँ, तो क्या तैयारी कर ली उसकी? हाँ तैयारी तो है। अच्छा। जाएंगे तो ठीक है, अब हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, आप लोग जाएं और तैयारी जो भी है अच्छी है, मैराथन दौड़ के आए। हाँ, दौड़ के आएंगे फिर आपको एक व्लॉग बनाएंगे मैराथन के ऊपर। हाँ बिल्कुल बनाना, पहली मैराथन है मेरी, देखते हैं मैं पूरी कर पाता हूँ या नहीं, पहली बार जाना है। नहीं कर पाएंगे आप, पूरी कर पाएंगे। यार भाई की भी जैकेट अच्छी लग रही है वैसे, है ना? रविंद भाई की। अरे रविंद भाई हमारे हीरो, रोल मॉडल मोहल्ले के। और क्या, अरे हल्के में ले रही हो तुम लोग? अरे नहीं 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 नहीं, हल्के में मत लेना। और बस आ ही गया। तो आप लोग तो आ चुके हैं वैसे यहाँ पहले? क्यों? कई बार और हमारे साथ तो पहली बार होगा शायद। हाँ, आपके साथ तो पहली बार आए हैं ना। चलो फिर चलते हैं, दर्शन करते हैं फिर ऊपर। अभी मंदिर के नीचे पहाड़ी पे चढ़ी रहे हैं, 6 माई माता का फेमस मंदिर है यहाँ पे और ये यहाँ पे कुंड है और भैया हमारे नीचे जा रहे हैं। सैलू भाई नीचे जा रहे हैं क्या? हाँ हम आराम से आराम से, चलो हम भी आते हैं। ये कहा जाए बहुत दिनों से है लेकिन मैं यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ, नीचे पहली बार आ रहा हूँ, मंदिर तो कई बार आया हूँ। और सैलू भाई मज़ा आ रहा है यहाँ? भैया आ रहा? हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अरे ये देखो, और यहाँ पे मतलब एकदम मज़ा x100 हो गया, आके आत्मा तृप्त हो गई। यहाँ पे जो है पहले आना तो हुआ है कई बार लेकिन इस जगह पे आना नहीं हुआ और मुझे कोई यहाँ का इतिहास नहीं पता, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, बस अपने जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ भाइयों के साथ घूमने आया हूँ तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल नीचे तलहटी में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, थोड़ा बहुत गंदगी आपको देख सकती है लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पे कहा जाए प्रकृति की गोद में एक छटा जो है यहाँ पर बिखेर दी है यहाँ पे, क्योंकि एक धार्मिक स्थान है यहाँ का बेलाताल का और यहीं पे आज हम लोग दर्शन करने आए। वैसे आते रहते हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पे कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये स्थान आपको कैसा लगा। और यहाँ आप देख ही रहे हैं नीचे लोग यहाँ पे नहाते भी हैं, यहाँ का पानी ऊपर भी जाता है, तो हम सबको अच्छा लगा। आइए फिर चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। जो आके बहुत एक शांतिपूर्ण माहौल का अनुभव हो रहा है कि नहीं? हाँ। मजा आ रहा है बिल्कुल, है ना? तो फाइनली इतनी चढ़ाई करने के बाद, क्यों चढ़ाई थी ना बहुत? हाँ, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। और चढ़ाई करने के बाद हम फाइनली आ गए हैं मंदिर पे और देख सकते हैं आप लोग ये मंदिर दिख रहा होगा आपको। और हम लोग थोड़ा धूप है, ज़्यादा तेज़ नहीं है लेकिन पैदल पैदल आज यहाँ तक आए हैं काफ़ी दिनों बाद और मज़ा आ रहा है और दर्शन करेंगे अभी और थोड़ा थक गए इसलिए बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ आके, तो आइए फिर मंदिर के दर्शन भी करते हैं और आपको दिखाएँगे यहाँ पर क्या क्या है।
तो हम इस समय मंदिर प्रांगण के अंदर हैं और आपने देखा ही है यहाँ पे चारों तरफ मिट्टी पुराव के लिए और टाइल्स भी लग रहे हैं, बाहर रखे हुए हैं और काफ़ी कुछ जो है अभी यहाँ पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक नया रूप दिया जा रहा है माता के मंदिर को और यहाँ काफ़ी दिनों बाद आकर हमें ये लगा कि काफ़ी बदलाव यहाँ पे हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ के मन को शांति मिली। हमारे शैलू भाई है हमारे साथ में, भैया मज़ा आया नहीं आया? बहुत ज़्यादा मन को शांति मिली, बहुत ही ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा के मन को शांति बहुत मिली है। और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ऐसे ही आप अभिलोक चैनल को, अभिलोक फैमिली जो आप लोग हो, आप ग्रो कराते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आगे हम लोग कुछ ऐसा ही नया लाते रहेंगे। थोड़ा बहुत लेट हो रहे हैं वीडियो लाने में, जानते हैं कुछ घर पे काम ऐसे पड़ जाते हैं, लेकिन आपके लिए वीडियो कोशिश करेंगे अब हफ्ते में एक या दो ज़रूर लाएँ। यहाँ पर तालाब भी है बड़ा, बहुत बड़ा, और ये पर्वत भी बहुत ऊंचाई के हैं। प्राकृतिक छटा है। और यहाँ पर नए नए मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जैसे कि ये और ये बहुत सारे नहीं हैं तो पुराने, बस इनका जो है पुनः निर्माण हुआ है, विकास हो गया थोड़ा, है ना? हाँ, अच्छा लगा आज। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आए और यहाँ पर दर्शन किए माता रानी के। जय हो, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो फाइनली हम जिस मुहाने पर खड़े हैं, यहाँ पे एक किले की पट्टी पे खड़े हैं और वो जो है मंदिर था जहाँ पे अभी हम लोग थे, अभी हम भैया दिखा देंगे। और ये जो पूरा आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे मेला लगता है दीपावली के एक दिन बाद, लगता है नहीं लगता है? लगता है। यहाँ पे मोनिया मेला कहा जाता है, जो हमारी बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत है और जो दीवारी नृत्य है, जो मोनिया चराने जाते हैं, वो सब यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। उनकी प्रतियोगिताएँ भी होती हैं यहाँ। कभी मैं यहाँ पे आऊँगा अगले साल दीपावली पे तो आपको जरूर दिखाऊंगा यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। अभी यहाँ पे केवल ये जो खाली ग्राउंड है यहाँ पे ही मेला लगता है। और अगर इस तरफ बात की जाए तो क्या है यहाँ पे सैलू भाई? यहाँ पर तालाब है जिसे बीला सागर के नाम से जाना जाता है, लेकिन सूखा हुआ है फिलहाल अभी। हाँ, इस साल बारिश नहीं हुई। और ये जो पट्टी नुमा संरचना दिख रही है ये क्या? इसी पट्टी वजह से यहाँ पानी थमता है और जब यहाँ इसके ऊपर से पानी जब नीचे गिरता है तो बहुत ही अच्छा दृश्य। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अगर बेलाताल के निवासी हैं तो जरूर देखा होगा कि यहाँ पे जो ये पट्टी नुमा संरचना बनी हुई है जो अभी भैया दिखाएंगे, यहाँ पे जब पानी बारिश होती है तो भर के फिर पानी ओवरफ्लो होकर निकलता है तो बहुत ही एक झरने का रूप ले लेता है। लेता है नहीं लेता जी? लेता है, आए हैं, आए हैं ना, तो मजा आता है यहाँ पे। तो अभी भले ही यहाँ पे कुछ जैसा भी हो और लेकिन यहाँ पे बारिश के दिनों में और दीपावली पे यहाँ पे मेला लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि बुंदेलखंड की एक सांस्कृतिक विरासत को ही यहाँ पे दर्शाता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आ जाके। एक तो भैया का ही, हम सबका प्लान था यहाँ पे आने का, है ना जी? तो के बर्थडे पे आज यहाँ आया जाए जन्मदिन के अवसर पर, और एक यहाँ पे आके शांति ही मिली, इतनी प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ, हल्की हल्की धूप है और चारों तरफ एक प्राकृतिक जो हम लोगों को प्राकृतिक नुमा माहौल मिला है उसको देख के एकदम दिल से तसल्ली हो गई है। तो धन्यवाद भैया साथ आने के लिए हमारे, बहुत बहुत। अरे हमारा भी बहुत ज़्यादा मन था। अच्छा, आपको भी बोले कोई बात नहीं है? अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा मन था भैया। चलिए तो चलते हैं फिर आगे, तो हम लोग जा रहे हैं घर, क्यों भी मज़ा आया नहीं आया? हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा शांति की अनुभूति। और एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद और बहुत बहुत मुझे सपोर्ट करने के लिए, और अभिलोक चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ ही अब हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, आज आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। तो इसी के साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आपको अगली इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। 5 मिनट्स लेटर। ये मेरी एक फेवरेट जगह है, ये वाली, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ये वाली, ये एक फेवरेट जगहों में से एक। अब आप पूछ रहे होंगे क्या फेवरेट है, अपना अपना दिमाग लगा के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ क्या फेवरेट है।